केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया है। मोतिहारी जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। दरअसल पूर्वी चंपारण में संदिग्ध अवस्था में 22 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 10 से ज्यादा लोग बीमार हैं। आशंका है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि बेतिया DIG जयंत कांत ने 6 लोगों के मौत की पुष्टि की है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार मोतिहारी के मोतिहारी, तुरकौलिया, हरसिद्धि और पहाड़पुर समेत अन्य इलाकों में अब तक संदिग्ध हालत में 22 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी चंपारण DIG जयकांत ने फिलहाल 6 लोगों के मौत की पुष्टि की है। बेतिया DIG के अनुसार पूर्वी चंपारण के अलग अलग क्षेत्रों में 6 लोगों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मोतिहारी के तुरकौलिया, हरसिद्धि और पहाड़पुर थाने में शुक्रवार को 2 मौतें हुई थी। लोगों के अनुसार इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि प्रशासन के लोग मौत का कारण डायरिया बता रहे हैं, तो वहीं फिर शनिवार तक 22 लोगों के मौत की खबर मिली है, दर्जन भर बीमार है। मिली जानकारी के अनुसार शराब पीने के बाद लोगों को कमजोरी और दिखने में परेशानी होने लगी थी। मोतिहारी सदर अस्पताल में 5 लोगों को भर्ती कराया गया, वहीं 4 लोगों को मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया। हरसिद्धि, पहाड़पुर और तुरकौलिया थाना क्षेत्र में घटना हुई है। बताया जा रहा है कि तुरकौलिया के लक्ष्मीपुर गांव से 5 बीमार लोग अस्पताल पहुंचे हैं। लक्ष्मीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप कर रही है, तो इधर मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज करा रहे तुरकौलिया थाने के लक्ष्मीपुर गाँव निवासी उमेश राम ने बताया कि गेहूं के कटनी के दौरान 4 लोगों ने एक साथ शराब पी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सगा भाई रामेश्वर राम की भी मौत हो गई है। वहीं तुरकौनिया के सेमना गांव निवासी इलाजरत राजेश राम ने कहा कि कल शाम में उसने शराब पी थी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सदर अस्पताल में भर्ती हो गया है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।